हेलो ऑल, मैं कुमार चंदन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के यूजेस। इसके पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट किया है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। और ये हमारा तीसरा दिन है, तीसरा कड़ी है आपका SSC CGL के लिए इंग्लिश के स्ट्रेटजी में और ग्रामर के स्ट्रेटजी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कुछ प्रॉब्लम है, ये कुछ आठ प्रॉब्लम है। इन सभी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, या फिर आज जो हम लोग सीखेंगे उससे ये सारे प्रॉब्लम या इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम आते हैं सॉल्व होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देख लें नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते क्या हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने पीछे वाले वीडियो में देखा था, मैं एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। आई एक नॉमिनेटिव प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्टिव आपका मी होगा। यू का नॉमिनेटिव यू ही होता है ऑब्जेक्टिव। ही का आपका हिम होता है ऑब्जेक्टिव। सी का हर होता है। वी का अस होता है। दे का देम होता है। हु का हुम होता है। इतना आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन कौन से नॉमिनेटिव प्रोनाउंस है और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस है। तो हम लोगों ने पीछे के वीडियो में देखा था कि ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस लेता है। मतलब एक प्रीपोजिशन के बाद आने वाला प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ये यूज हम लोगों ने देखा है। आज हम लोग यूज देखेंगे आपका नॉमिनेटिव केस का। पहले नॉमिनेटिव केस का देखेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव केस का और भी सारे यूज देखेंगे। नॉमिनेटिव केस वर्ब के, नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है यूज। वर्ब का सब्जेक्ट क्या होता है इसे भी हम लोगों ने देखा है, मैं फिर भी बता दूं कि वर्ब के पहले जो सिंगल नाउन या प्रोनाउन होता है वो वर्ब का सब्जेक्ट होता है। और ये भी बता दूं कि वह किसी प्रीपोजिशनल फ्रेज में नहीं होता है, वह किसी प्रीपोजिशनल फ्रेज में नहीं होता है, वही वर्ब का सब्जेक्ट होता है। और भी हम लोगों ने एग्जांपल देखा था कि वर्ब का सब्जेक्ट यह जरूरी नहीं है कि वर्ब के पहले ही हो, वर्ब के बाद भी आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जांपल के साथ। माई चाइल्ड एंड आई वुड लाइक टू विजिट। देखिए यहाँ पे वर्ब है वुड लाइक, और इसका दो कंपाउंड सब्जेक्ट है आपका। एक सब्जेक्ट माई चाइल्ड है और दूसरा आपका क्या है, आई। ये तो प्रोनाउन है और ये आपका नाउन है, चाइल्ड नाउन है और ये प्रोनाउन है। तो ये प्रोनाउन किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में। हम लोगों ने अभी लिस्ट देखा पीछे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, रूमी एंड आई आर हैप्पी। आर इस जगह वर्ब है और इसके दो सब्जेक्ट हैं, रूमी और आई, जो एक कंजक्शन इन से जुड़े हुए हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट कह सकते हैं। तो इसमें देखिए जो प्रोनाउन आई है वो फिर से नॉमिनेटिव केस है, लिस्ट हम लोगों ने पीछे ही देखा है। सी एंड आई सिंपली डू नॉट गेट अलॉन्ग। देखिए डू नॉट गेट आपका या गेट आपका एक वर्ब है और इसका सब्जेक्ट आपका सी और आई है। नॉट को देखा था हम लोगों ने, डू नॉट को, कि एक वर्ब है और ये भी एक वर्ब है, क्योंकि ये दोनों आपके वर्ब गेट को मॉडिफाई कर रहे हैं। ये पीछे हम लोगों ने लेक्चर में देखा हुआ है कि कैसे किसी एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव को पहचानेंगे। तो इस जगह देखिए दोनों के दोनों प्रोनाउन किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में। वी एंड दे हैव बीन फ्रेंड्स फॉर इयर्स। हैव बीन ये आपका वर्ब है इस जगह पे, और ये वर्ब है और इसके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, वी और दे, और दोनों किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में। तो हम लोगों ने एक चीज़ देखा क्या, कि वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हमेशा हम लोग नॉमिनेटिव केस यूज करेंगे। दूसरा ये तो फिर से वही चीज़ कि ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा तो प्रीपोजिशनल फ्रेज में हो, प्रीपोजिशनल फ्रेज के अंदर जो प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, उसे ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन कहेंगे और आपका ऑब्जेक्टिव केस में होगा। और एक चीज़ ऑब्जेक्टिव केस का एक और यूज है कि वह वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। सब्जेक्ट तो हम लोगों ने देखा, लेकिन वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या है कि जो एक्टिव वर्ब में, एक्टिव वर्ब का सब्जेक्ट जो किसी एक्शन को इनिशिएट करे वो सब्जेक्ट कहलाता है, कर्ता। कार्य करने वाला को हम लोग सब्जेक्ट कहेंगे या कर्ता कहेंगे, और जो एक्शन रिसीव करेगा उसे हम लोग
ऑब्जेक्ट कहेंगे वर्ब का, या दूसरे में कि कार्य, दूसरे शब्दों में कहें तो कार्य करने वाले को हम लोग सब्जेक्ट कहेंगे, और जो क्या क्यों कैसे का आंसर दे वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है, वो आपका वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वो एक्शन को रिसीव करेगा, और ऑब्जेक्ट कभी भी प्रीपोजिशनल फ्रेज में नहीं होगा। जैसे हम लोगों ने आपका सब्जेक्ट में देखा था कि वो प्रीपोजिशनल फ्रेज में नहीं हो रहा था वर्ब का सब्जेक्ट, वैसे ही वर्ब का ऑब्जेक्ट भी प्रीपोजिशनल फ्रेज में नहीं होगा, और यह भी सिंगल नाउन या प्रोनाउन होगा जैसे सब्जेक्ट हो रहा था। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आएगा कि ऑब्जेक्ट का क्या फंक्शन है और सब्जेक्ट का क्या फंक्शन। सब्जेक्ट का फंक्शन वैसे भी हम लोगों ने देखा हुआ, यहाँ पर भी देखते हैं। सबसे पहले तो वर्ब पहचानते हैं, वर्ब ये, और इसका सब्जेक्ट चाचा चौधरी, क्योंकि कार्य करने वाला कौन है, चाचा चौधरी। आउटस्मार्ट क्या कर रहे हैं, किसको, ये किसको का आंसर कौन दे रहा है, कंप्यूटर्स। तो ये जो किसको का आंसर दे रहा है ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। या फिर बोले चाचा चौधरी ने आउटस्मार्ट किसको कर रहे हैं, कंप्यूटर को, तो ये एक एक्शन रिसीव इनिशिएट कर रहे हैं, और ये एक्शन फाइनली ये रिसीव कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, ही सीज द स्काई, ही सीज द स्काई, ही देखा, किसको देखा, तो स्काई को। तो फिर से ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, किसको का आंसर कर रहा है। ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं जिसके कुछ वर्ब के एग्जाम्पल हैं जिनके ऑब्जेक्ट होते हैं। कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जिनके ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। देखिए, इंडिया रन्स फॉर यूनिटी, सबसे पहले तो ये प्रीपोजिशन को पहचानी है। अभी पीछे हम लोगों ने क्या देखा कि प्रीपोजिशनल फ्रेज में वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। ट्रेन नेवर अराइव, आपका वर्ब, उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल फ्रेज, तो इस अराइव का आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। कैन आई कम इन टू योर हाउस, कम इस जगह, और उसके बाद ये प्रीपोजिशनल फ्रेज आ रहा है, तो इस कम का आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या चाहिए, सिंगल या नाउन या प्रोनाउन चाहिए जो प्रीपोजिशनल फ्रेज से हटके हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। और एक चीज़ देखिए, जब एक एक्टिव वर्ब का, जब एक एक्टिव वर्ब उसका ऑब्जेक्ट हो, उसके पास ऑब्जेक्ट हो, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव, क्योंकि यह एक एक्शन को इससे होते हुए दूसरे के पास पहुंचाता है। और ट्रांजिटिव का मीनिंग भी होता है ट्रांसिट, ट्रांस थ्रू, ट्रांजिटिव मीन्स ट्रांस थ्रू और ट्रांस अक्रॉस, ठीक है। और दूसरा, जिसमें ऑब्जेक्ट, दूसरा वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जो एक एक्शन को एक से लेके सब्जेक्ट से लेके ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंचाता है, उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जितना भी एक्टिव वर्ब होते हैं, मतलब फर्स्ट आपका एक्टिव वर्ब जितने भी होते हैं, वो आप इधर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होते हैं। एक्टिव वर्ब क्या होते हैं इसे देखेंगे सिंपली। अभी आप वर्ब समझ लीजिए, आगे बढ़ते हैं। कुछ रूल है, देखिए, पर्सनल प्रोनाउंस विच फंक्शन इज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज इन ऑब्जेक्टिव केसेस, हम देखे हैं, बोल चुके भी हैं कि वर्ब का ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, आई सी हिम, सी आपका वर्ब और इसका ऑब्जेक्ट हिम, ही का ये ऑब्जेक्टिव केस है, और इसका सब्जेक्ट आई जो नॉमिनेटिव केस है। ही सीज मी, ये देखिए आई का ऑब्जेक्टिव केस इस जगह, ऑब्जेक्ट के जगह। देम फिर से ऑब्जेक्टिव केस, देम अस भी फिर से ऑब्जेक्टिव केस। जब किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट सिंगल ना हो के कंपाउंड हो, सिंगल ना हो के कंपाउंड हो, तो दोनों के दोनों ही ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, दिस प्लीजेज यू एंड मी, प्लीजेज वर्ब है और इसके दो ऑब्जेक्ट हैं, यू एंड मी। यू का ऑब्जेक्टिव यू ही होता है और आई का मी होता है, तो इस जगह मी, और ये सही ही है। कैन यू सी हर एंड हिम, वर्ब सी और इसके ऑब्जेक्टिव केस हर के, सी के ऑब्जेक्टिव केस हर और ही के ऑब्जेक्टिव केस हिम। तो हम लोगों ने इसमें क्या देखा कि वर्ब का ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा, अगर वो कंपाउंड ऑब्जेक्ट भी हो तो आपका दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव केस में होंगे।
कंपाउंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे हम लोगों ने देखा था कि कंपाउंड सब्जेक्ट किसी कंजक्शन से जुड़े होते हैं, वैसे ही कंपाउंड ऑब्जेक्ट किसी कंजक्शन से जुड़े होते हैं। जैसे इस जगह देखिए एंड से जुड़े हुए हैं दोनों के दोनों, तो ये क्या है, कंपाउंड ऑब्जेक्ट है किसके, वर्ब के। इफ अ नाउन एंड प्रोनाउन फ्रॉम कंपाउंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, प्रोनाउन इज, ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं कि कंपाउंड ऑब्जेक्ट है किसी वर्ब का, तो ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। देखिए और भी एग्जांपल देखते हैं, कैन यू सी मोगली एंड मी। इस जगह देखिए एक नाउन और प्रोनाउन हो तो प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। देखिए ये वर्ब सी, इसका एक ऑब्जेक्ट मोगली जो नाउन है और दूसरा ऑब्जेक्ट आपका मी जो प्रोनाउन है और ऑब्जेक्टिव केस में है। वी हर्ड रिमी एंड हिम, रिमी आपका नाउन है तो उसका नाम वैसे ही रहेगा, हर्ड का दूसरा ऑब्जेक्टिव केस में, आपका हिम। हु डू यू कीप साबु इन अस वेटिंग, वाई डू यू कीप साबु इन अस वेटिंग। इस जगह देखिए ये वर्ब आपका कीप और इसका ऑब्जेक्ट साबु जो नेम है तो उसमें कोई चेंजेज नहीं आएंगे, और ये अस एक ऑब्जेक्टिव केस है और ये वी का ऑब्जेक्टिव केस है, वी इसका नॉमिनेटिव केस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग प्रॉब्लम पे जाते हैं। जितना अभी हम लोगों ने देखा थ्योरी या जितना रूल हम लोगों ने समझने की कोशिश की है, आप उस पर इन सब प्रॉब्लम्स को ट्राई करिए, अगर नहीं बनेंगे तो मैं फिर से आपको बताऊंगा। आगे नेक्स्ट से तो प्रॉब्लम देखते हैं, ये चार और प्रॉब्लम है, इसकी थ्योरी अभी तक हम लोगों ने नहीं देखी और इसे आगे देखेंगे। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो यह एक नॉमिनेटिव केस का एक और यूज है। जैसे हम लोगों ने देखा कि नॉमिनेटिव केस क्या हो रहा था, किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो रहा था। जैसे इस केस में देखिए ही एंड सी, विल डू, यहाँ वर्ब क्या है विल डू, और इसका सब्जेक्ट क्या है ही एंड सी, फिर से ये कंपाउंड सब्जेक्ट हैं। नॉमिनेटिव केस का एक और यूज होता है कि अगर नॉमिनेटिव केस किसी वर्ब का कॉपुलेटिव वर्ब का, किसी कॉपुलेटिव वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो तो वहाँ भी नॉमिनेटिव केस यूज करेंगे। सबसे पहले तो कॉपुलेटिव वर्ब क्या होते हैं और आपका उसके कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। देखिए कॉम्प्लीमेंट मीन्स किसी चीज़ का मीनिंग को कंप्लीट करें, पूरा करें, तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे ऑब्जेक्ट भी एक कॉम्प्लीमेंट ही होता है जो मीनिंग को पूरा करता है। इसको समझते हैं, जैसे आई टेक, अगर इसको हम लोग लेते हैं आई टेक, तो इसका मीनिंग रिलेटिवली क्या है, इनकम्प्लीट है। आई टेक क्या, इससे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन इसके संग एक ऑब्जेक्ट हम लोग जोड़ दें कॉफ़ी, तो इस सेंटेंस का पूरा मीनिंग निकल जाएगा कि आई टेक अ कॉफ़ी। तो ये क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट इस वर्ब के मीनिंग को कम्प्लीट कर रहा है। और दूसरा जो टर्म है कॉपुलेटिव वर्ब, ये कोई एक्शन शो नहीं करता, एक ऐसा वर्ब है कॉपुलेटिव वर्ब, एक ऐसा वर्ब है कि कोई एक्शन नहीं शो करता है, बट स्टेट ऑफ बीइंग शो करता है। और पीछे हम लोगों ने देख रखा है कि जितने भी वर्ब होते हैं वो सारे के सारे एक्शन शो करते हैं, और दूसरे शब्दों में कहे कि वर्ड ऑफ एक्शन को हम लोग वर्ब कह रहे थे, लेकिन कॉपुलेटिव वर्ब कोई एक्शन शो नहीं करता है, स्टेट ऑफ बीइंग शो करता है। ये क्या होता है हम लोग आगे इसमें देखेंगे। टू बी और एनी ऑफ इट्स फॉर्म इज कॉपुलेटिव वर्ब, वर्ब टू बी जो भी होते हैं या इसका कोई भी फॉर्म होते हैं वो कॉपुलेटिव वर्ब होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि कॉपुलेटिव वर्ब के लिस्ट क्या कौन कौन से हैं। देखिए पास्ट और प्रेजेंट के जो कॉपुलेटिव वर्ब हैं वह हैं एम, आर, इज, वाज, वेयर। फ्यूचर के जो कॉपुलेटिव वर्ब हैं वह हैं शैल बी, विल बी, शुड बी, कुड बी, मे बी, ऐसे जो भी हैं। और परफेक्ट के हैं हैज बीन, हैड बीन और हैव बीन। और फ्यूचर परफेक्ट के विल हैव बीन, वुड हैव बीन, शुड हैव बीन, मे हैव बीन, कुड हैव बीन, ऐसा कुछ। तो आप एक बार लिस्ट इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और इसके बाद जानिए कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट, ये सारे लिस्ट के जो कॉम्प्लीमेंट होंगे प्रोनाउन, वो आप सबके सब नॉमिनेटिव केस में होंगे। आगे बढ़ते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब का एक्टिव क्या कर रहा था, सब्जेक्ट आपका ट्रांजिटिव वर्ब क्या कर रहा था, एक्शन को ट्रांसमिट कर रहा था सब्जेक्ट से लेके कॉम्प्लीमेंट तक या ऑब्जेक्ट तक। जैसे यहाँ पे देखिए आई नो अ डॉक्टर, देखिए नो, आई नो, फिर से आपका क्वेश्चन हो सकता है किसको, तो एक डॉक्टर को। तो क्या हो रहा है कि ये डॉक्टर, ये ऑब्जेक्ट किसका आंसर बन रहा है, किसको का है? तो ये इस नो वर्ब का
ऑब्जेक्ट हुआ। और दूसरा चीज़ हम लोगों ने देखा कि कॉपुलेटिव वर्ब कोई भी एक्शन ट्रांसमिट नहीं करते हैं, रदर वो आइडेंटिटी को सेटअप करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं। जैसे देखिए आई एम अ डॉक्टर, इस जगह देखिए आई और डॉक्टर सेम पर्सन है, मतलब इसका आइडेंटिटी ये है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल में देखिए आई एम अ टीचर, तो मतलब इस आई का आइडेंटिटी ये होता है। इसलिए क्या होगा कि जब भी कोई कॉपुलेटिव वर्ब होगा ये आइडेंटिटी फिक्स करेगा। तो अगर ये सब्जेक्टिव केस में होता है तो इसलिए इसका कॉम्प्लीमेंट भी सब्जेक्टिव केस में होगा। समझने के लिए देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉपुलेटिव वर्ब इक्वल्स टू सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, क्योंकि दोनों के बीच आइडेंटिटी फिक्स कर रहे थे, इक्वल हुए, इसलिए अगर ये नॉमिनेटिव केस में हो रहा है तो दूसरा भी नॉमिनेटिव केस में होगा। आशा है कि समझ पाए होंगे। अब इस थ्योरी के बेस पे हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। थ्योरी क्या था कि किसी भी कॉपुलेटिव वर्ब का कॉम्प्लीमेंट आपका नॉमिनेटिव केस में होगा। इसमें देखिए कॉपुलेटिव वर्ब है, जी हाँ वाज एक कॉपुलेटिव वर्ब है, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो रहा है, मी, इट वाज मी। अगर इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे इट वाज मी, तो वाज का कॉपुलेटिव मी हो रहा है और ये कॉम्प्लीमेंट हो रहा है तो क्या होगा, आपका नॉमिनेटिव केस में होगा, दैट इज आई होगा। इट वाज हिम, देखिए फिर से यह कॉपुलेटिव वर्ब और इसका कॉम्प्लीमेंट हिम, तो हिम ना होकर ये क्या होगा, ही होगा। और इट वाज मी फिर से वाज और इसका कॉपुलेटिव है तो ये क्या होगा, आई होगा। इसमें देखिए इट इज नॉट आई, इट इज नॉट आई, तो इज भी एक कॉपुलेटिव वर्ब है और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, आई है, तो ये सही है। लेकिन गलत कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए पीछे के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन पहले ये जान लीजिए कि हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन या प्रोनाउन होगा उसके हिसाब से होगा। तो आई इस जगह क्या है, इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला आपका वर्ब है, सॉरी नाउन है या प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, तो इसके हिसाब से ये वर्ब होगा जो एम होगा। इससे हम लोगों ने पीछे के वीडियो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी देखा था और यहाँ भी मैंने बता दिया, जिससे आपके क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। चलिए आज के लिए इतना ही, और भी जो भी आपको कोई प्रॉब्लम होगा आप हमें बताइए, और जो क्वेश्चन पीछे मैंने दे रखे थे उसे आप कमेंट में आंसर करिए, नहीं बन पाता है तो मुझे बताइए, मैं उन सारे क्वेश्चन का भी वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा या किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।